तो दोस्तों आज हम बात करने जाएंगे कि एक वीडियो आज वायरल हुआ है जिनका सब्सक्राइबर 3 मिलियन से भी ज्यादा है, तो उन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, आप लोग मेरे साथ और हम आपके साथ। तो आओ आज हम उन्हीं के ऊपर सोचेंगे, उन्हीं के ऊपर बात करने जाएंगे कि कौन सा वो चैनल है, कौन सा वो महान आदमी है जिनका वीडियो पर, देखो हर वीडियो पर ना एक टाइटल रहता है, एक थंबनेल रहता है और एक टैग रहता है, उसका डिस्क्रिप्शन भी रहता है, लेकिन ये ऐसा एक वीडियो है नो टैग नो टाइटल नो डिस्क्रिप्शन, फिर भी वीडियो हुई वायरल। तो शायद अगर आपको पता है, अगर वो वीडियो आप भी आज देख चुके हो, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताना। तो वो वीडियो कौन सा है और किसका चैनल है, आज हम उन्हीं के बारे में बताने वाले हैं। शायद आप लोग जानते होंगे उनका नाम, जिनका नाम छोटा है पर उनका काम सबसे बड़ा है, क्योंकि उनका जो सब्सक्राइबर वो 3 मिलियन 2 लाख से ज्यादा, कहीं 30 या 40 हजार सब्सक्राइबर है जिनका एक एक वीडियो 20 से 30 लाख व्यूज आता है। तो उन्हीं का नाम है मनोज दे, आप लोग राइट सुने हैं, उनका नाम है मनोज दे, जिनका वीडियो आज अपलोड हुआ है सुबह, जिनका ना कोई टाइटल है ना कोई डिस्क्रिप्शन है, फिर भी वो वीडियो पूरा वायरल है। 1 ही घंटे के अंदर मैंने देखा वो वीडियो, 1 घंटे के अंदर 2 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुका है, आप लोग शायद देख सकते हो, उसका एक छोटा सा क्लिप मैंने आपको दिखाया। तो क्या वजह है, इसका वजह क्या है कि बिना टाइटल रखे हुए, बिना डिस्क्रिप्शन लिखे हुए भी वो वीडियो वायरल हो जाता है, लेकिन आप इतने मेहनत करते हो, आप इतना फोकस देते हो वीडियो के ऊपर, थंबनेल के ऊपर, डिस्क्रिप्शन के ऊपर, टैग के ऊपर, टाइटल के ऊपर, फिर भी आपका वीडियो पर व्यूज नहीं आता है, ना वायरल होता है, ना बूस्ट होता है, ना रैंक करता है, लेकिन ऐसा वो वीडियो में क्या है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, फिर भी वो वीडियो क्यों वायरल हुआ है। तो एक छोटा सा राज मैं बताने वाला हूं, उस राज के अंदर जाने से पहले मैं हूं फिरोज कुमार माली और आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल फिरोज टीके एंड टेक के ऊपर। अगर ये वीडियो अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं ज्यादा समय आपसे नहीं लूंगा, 1 मिनट के अंदर खत्म कर देने वाला हूं। तो चलिए उसका राज है, देखो उनका जो कड़ी मेहनत, मैं ये नहीं कहता कि वो कुछ मेहनत ही नहीं किया, वो बहुत मेहनत किया है, जिनका लगभग 6 से 7 साल हो चुका है यूट्यूब पर काम करते हुए, 2016 से वो अपना चैनल शुरू किया, अभी 2022 हो गया, तो इतने कड़ी मेहनत करके वो इस मौका को हासिल किया है, इस जो स्टेज के ऊपर वो अभी खड़ा है, जो 3 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर उनसे जुड़े हुए हैं। अगर उतने सब्सक्राइबर आपको हो जाएगा तो आप क्या नहीं करोगे, देखो ये एक छोटा सा सिंपल सा बात मैं बोल रहा हूं। देखो अगर जिनका चैनल पर 30 से ज्यादा लाख सब्सक्राइबर, पकड़ लो 32 लाख सब्सक्राइबर है, तो वो जो भी वीडियो डालेंगे ना, वो वीडियो 1 ही घंटे के अंदर वायरल हो सकता है, ये कॉमन सी बात है, जाहिर सी बात है कि वो जैसे भी वीडियो, वो टाइटल लिखे या ना लिखे, उनका जो चेहरा देखकर ही वो वीडियो हो जाएगा वायरल। कुछ बोल ऐसा भी एक वीडियो वो डालेंगे ना जो बिना आवाज वाले, बिना ऑडियो वाले, वो वीडियो भी हो जाएगा वायरल, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि उनका पॉपुलैरिटी उतना ज्यादा है, इसीलिए उनका जो वीडियो है ना, जो बिना टाइटल होते हुए भी वायरल हो जाता है। लेकिन अगर आप और हम करेंगे ना, कोई पूछने वाले में नहीं रहेंगे, इसलिए मेरा कहने का सजेशन ये है कि हाँ वो भाई कर दिया बिना टाइटल वाला वीडियो, तो हम भी कर देंगे, तो हम भी हो जाएंगे वायरल, ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ लाखों में एक का वीडियो हो जाता है, जिनका कुछ ही नहीं होता है उनका वीडियो पर, फिर भी वो वीडियो को लाखों लोग किया, करोड़ों लोगों के तक पहुंच जाता है, ऐसा लाखों में एक इंसान होता है जिनका नसीब पर वो लिखा होता है, वो कुछ करे या ना करे, लोगों के पास उनका वीडियो पहुंच जाता है। लेकिन आप और हम में से ऐसा नहीं, हमको मेहनत करना चाहिए। देखो ये
10:30 से ज्यादा टाइम हो चुका है, मैं ये रात के टाइम वीडियो शूट कर रहा हूँ सिर्फ इसी के बारे में बताने के लिए। तो मेरा रिक्वेस्ट आपको कि आप कभी भी ऐसा मत कीजिए, आप जो भी करते हो, जो वीडियो डालते हो ना, उस वीडियो का जो असली राज क्या है उसका टाइटल आपको जरूर लिखना चाहिए, टाइटल और डिस्क्रिप्शन और टैग भी लिखना चाहिए, ताकि आपका वीडियो में क्या है लोगों को पता चले। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज मेरा चैनल पर एक कमेंट कीजिए और एक लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए मेरे वीडियो अभी देख रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।